दोस्तों, देवी संध्या के कारण ही समस्त पुरुष जाति को यह श्राप मिला। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि देवी संध्या ने पुरुष जाति को श्राप क्यों दिया था। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, आज किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है? अवश्य ही प्रभु ने कोई लीला रची है जिसका भाग बनकर तुम यहां पर आए हो। नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो संसार के कण में वास करते हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो गई है, उसी का समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारी हर शंका का समाधान किया जाएगा। अतः तुम्हारी जो भी शंका हो पूछ लो। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप परम दयालु और कृपालु हैं, अपने सभी भक्तों पर समान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। भक्त के मन में क्या चल रहा है आप स्वयं ही जान लेते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसे भी आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसे मैं अवश्य जानता हूं, इसीलिए अब पूछने में संकोच ना करो। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। आज मैं आपके पास देवी संध्या का महात्मा सुनने के लिए ही आया हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपा करके आप मुझसे वह कथा कहें। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसीलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उसका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हो गई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था, इसीलिए अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वीलोक पर ब्रह्मलोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह बताया और कहा, हे मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ, कृपया आप मुझे बताइए मैं किसकी तपस्या करूं, मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए, कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए।
संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायणाय नमः, इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उसके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसके व्रत, तपस्या और भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का वह रूप सैकड़ों सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतम दृष्टि डालकर उसके शरीर को पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं, तो मैं पहला वर यह मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वह पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुम अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहां से पास ही चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ना पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्नि की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांस भोजी ना बन जाए। तत्पश्चात देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई।
उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे, इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उसने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्यमंडल पर लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के दो भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातःकाल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या, जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी हुई। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया है। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, अब मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्षि को देवी संध्या की कथा सुनाई। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।